तो दोस्तों, अगर आप भी चार धाम यात्रा करते हो तो गर्म पानी का कुंड आपको कौन कौन से धाम में मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चार धाम यात्रा किस प्रकार से होती है। तो पहला यमुनोत्री धाम, दूसरा गंगोत्री धाम, तीसरा केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यमुनोत्री धाम पहुँचना है और जानकी चट्टी में रात रुक जाना है, और रात रुकने के बाद आपको सुबह यमुनोत्री धाम की जो चढ़ाई है उसको शुरू करनी है, और आपको अपने रूम में नहाना नहीं है। बाकी आपको नहाना है तो नहा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको नहाना नहीं है, क्योंकि आपको यमुनोत्री धाम में जैसे आप पहुंचते हो तो आपको वहां पर गर्म पानी का कुंड मिलेगा, तो आपको वहां पर तो नहाना ही पड़ेगा। तो पहला गर्म पानी का कुंड आपको यमुनोत्री धाम में ही मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गंगोत्री धाम की। तो जैसे आप गंगोत्री धाम में पहुँच जाते हो और अपने रूम में रुक जाते हो, तो आपको अपने रूम में ही नहा के और सुबह आरती में शामिल हो जाना है। इसके बाद से जो घाट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बहता है, तो आपको वहाँ पर भी स्नान करना है। लेकिन गंगोत्री धाम में आपको कहीं पर भी कोई भी गर्म पानी का कुंड नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ धाम की। तो अगर आप सोनप्रयाग में या फिर गौरीकुंड में रात रुकते हो अपने रूम में, और दूसरे दिन मॉर्निंग में आप केदारनाथ की चढ़ाई करते हो, तो आपको अपने रूम में नहाना नहीं है, क्योंकि गौरीकुंड में गर्म पानी का कुंड आपको मिल जाएगा। तो आपको चढ़ाई से पहले यहाँ पर स्नान करना ही पड़ता है, नहाना तो पड़ता ही है। लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है। तो आपको यहाँ पर नहा के और इसके बाद से केदारनाथ की चढ़ाई की जाती है। चलिए अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ में भी आपको गर्म पानी का कुंड मिल जाएगा, जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग। तो आपको यहाँ पर स्नान करना ही पड़ेगा और इसके बाद से आपको दर्शन करना पड़ेगा। बाकी आपको रूम में स्नान करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन जैसे आप मंदिर आते हो तो आपको इस गर्म कुंड में तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि चार धाम यात्रा के दौरान आपको गंगोत्री धाम में गर्म पानी का कुंड नहीं मिलेगा, बाकी तीन धाम में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा।